In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, I welcome you in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. In today's lecture, we shall learn about Joseph Conrad's novel, The Heart of Darkness. In Heart of Darkness, we shall learn how the colonizers, they suppressed and they affected, they exploited the colonized people. Colonized people ko kaise wo imperialism ke through, kaise wo apni colonies ke zariye, kaise wo suppress karte hain unko, kaise wo unko harass kar rahe hain, kis tarah unse work le rahe hain, unko exploit kiya ja raha hai, unke resources ko, unke un logon ko. To Heart of Darkness just ek यानी हार्ट ऑफ डार्कनेस जस्ट यानी ब्लैक पीपल को ही शो नहीं करता, बल्कि ये इमोरेलिटी को शो करता है. ये शो करता है कि वाइट पीपल कैसे उनको सीवेज लोगों को, जिनको वो सिविलाइज्ड करने गए थे, जिनको वो रिफाइन करने के बहाने उनके कंट्रीज में गए थे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अदर कॉलोनाइज्ड जितने भी लोग हैं वो हों, जैसे स्पेनिश लोग थे या बेल्जियम के लोग थे या अमेरिकन थे या अदर जो वाइट पीपल थे, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को कैसे अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए उनको कॉलोनीज बना रखा था, और उन कॉलोनीज के अंदर जो उनके इनहेबिटेंट लोग थे उनको एज ए गुलाम बना के उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उनसे वर्क लिया जा रहा है. और जो मार्लो जो कि नरेटर है स्टोरी का, जैसे वो शो करता है कि किस तरह उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ना प्रॉपर डाइट दी जा रही है, और उनको जकड़ के उनसे काम लिया जा रहा है. ये नावल बेसिकली सिम्बोलिक और हिस्टोरिकल भी है. जैसे अगर हम देखें किस तरह ब्लैक लोगों को जितने भी कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने कैसे बांध के जंजीरों में जकड़ के कैसे उनसे काम लेते थे और जस्ट लाइक एनिमल उनको ट्रीट करते थे. और आज भी अगर रेसिज्म को देखें, अमेरिका के अंदर देखें या दीगर कंट्रीज़ के अंदर देखें, तो ये कंसेप्ट बेसिकली वहाँ से ही आया है. और अभी तक लोग इस चीज़ को नफ़रत की निगाह से देखते हैं और ब्लैक लोगों को वैसे भी वो मिसफिट समझते हैं. अगर आप अमेरिका के अंदर आज भी देखें तो ब्लैक लोगों को वो मिसफिट समझते हैं, दे डोंट कंसीडर दे आर द रिफाइंड ह्यूमन बीइंग. एनी हो, उन्होंने अपनी अपने जो राइट्स हैं वो मनवा लिए हैं कुछ ग्रेट एक्सटेंट तक, लेकिन अभी भी रेसिज्म का कंसेप्ट वहाँ पे है. जोसेफ कॉनराड जो बेसिकली खुद एक यानी पॉलिश एक नॉवलिस्ट है, उसने खुद 90 में खुद एक जर्नी की है. स्टीम बोट पे वो बैठ के उसने पूरे अफ्रीका को, इवन के उसने अपनी हिस्ट्री में खुद लिखा है, अपनी जो बेसिकली ये डायरी लिखते हैं, उसने अपने फादर की एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं. क्रिश्चियन लोगों के अंदर एक मिनट से एक उनका कंसेप्ट है कि वो बाइबल लिखते हैं. बाइबल मीन कि वो अपनी स्टोरी डायरी के ऊपर लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई फादर है तो वो सर्टन जो उसने ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में किए होते हैं या जो ग्रेट ग्रैंड टास्क किए होते हैं वो अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करता है. तो इसका फादर भी जोसेफ कॉनराड का, जब ये 9 ईयर ओल्ड था, अपनी स्टोरी, अपने रोमांटिक जो इवेंट्स थे या उनके जर्नी के इवेंट थे या उनकी जो लाइफ से रिलेटेड जो दास्तां थी वो अपनी डायरी में लिखते थे, तो ये उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता था. 9 ईयर ओल्ड था जब इसने वर्ल्ड मैप को देखा, तो वहाँ पे इसने जब अफ्रीका का वो प्लेस देखी, वो रिवर को देखा, तो इसने कोंगो रिवर को इसने सुना, तो इसने सोचा कि मैं ट्रैवल करूँगा. 1890 में इसने खुद ट्रैवल किया, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कि डायरी पे चीज़ों को नोट किया, वहाँ पे कैसे जर्नी स्टार्ट की. जर्नी मीन के जब जैसे वो उसे स्टार्ट में उसे मिलता है स्टीम बोट के जो मैनेजर है वो मिलता है, उसी तरह जो मैनेजर के साथ वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो उसके साथ
उसकी नहीं बनती, जो उसके साथ उसके हार्श आर्गुमेंटेशन होती है वो भी उसके थ्रू मार्लो के जरिए रिप्रेजेंट करता है। मार्लो बेसिकली नरेटर है, ही इज़ अ माउथ पीस ऑफ जोसेफ कॉनराड, जो जोसेफ कॉनराड ने विजिट के दौरान ऑब्जर्व किया, अपनी डायरी में नोट किया, वो किसके माउथ के थ्रू बोलता है, मार्लो के जरिए। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मार्लो है उसे बस आप ये कंसीडर करें कि मार्लो इज़ अ माउथ पीस ऑफ जोसेफ कॉनराड, जो जोसेफ कॉनराड ने विजिट के दौरान जो जो कुछ देखा उसको अपनी डायरी में लिखा, वो उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब मेन कैरेक्टर कुछ लिख लें। इस स्टोरी को समझने से पहले जैसे कि एम्पीरियलिज्म कोलोनाइज्ड और कोलोनाइजर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह एम्पीरियलिज्म ये होता है कि आप कंट्रीज में दूसरे अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए किसी कंट्रीज में जाएं, उस कंट्री में जाएं और उस कंट्री के लोगों को ना सिर्फ उनको सबड्यू कर लें बल्कि उनके ऊपर हुकूमत करें, उन्हें स्लेव बना के उनको उनसे वर्क लें। इट इज़ एम्पीरियलिज्म। तो एम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट इसके अंदर बिल्कुल वाजे है जब वो अपनी जर्नी के ड्यूरिंग बताएगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ करैक्टर लिखते हैं, इसके दो ही मेन करैक्टर हैं। पहला करैक्टर है मार्लो, चार्ल्स मार्लो लिख लें। दूसरा करैक्टर है मिस्टर कुल्ट्स। मिस्टर कुल्ट्स जो है ये जर्मन का रहने वाला है, ये जर्मन का रहने वाला है। जबकि जो दूसरा करेक्टर है हमारे पास जो विजिट कर रहा है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है मार्लो अपनी जर्नी, इंग्लैंड से, लंदन से। जो थेम्स रिवर है वो बेसिकली लंदन में है। मैंने एक इंग्लैंड में अप्लाई किया था, उसका नाम था थेम्स वैली कॉलेज। तो मुझे याद है कि वहाँ पे थेम्स नामी एक कॉलेज भी है और साथ में से रिवर भी वहाँ पे लंदन में ही है। ये लंदन में एक रिवर है, वहां पे मेरे से 5 लोग हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? फॉर नाउ इट्स गुड। ओके, सो थेम्स वैली जैसे मैंने कॉलेज का नाम बताया, लंदन के अंदर एक रिवर है थेम्स, तो उस थेम्स नामी रिवर में ये शिप है, वहां पे बैठे हुए हैं 5 लोग हैं, ये छत पे बैठे हुए हैं उसमें, मेरे से वो शिप जो है इनका स्टीम बोट है, व्हाट एल्स, तो उस बोट के ये ऊपर बैठे हैं, उस बोट के ऊपर बैठे ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर शेयरिंग आइडिया, दे आर ही इज टेलिंग अबाउट हिज ओन स्टोरीज। तो इसके पास डायरी भी है, ये अपने फ्रेंड्स को अपनी दास्तां बता रहा है। कौन बता रहा है? बता तो नरेटर रहा है, नरेटर का नाम क्या है? मार्लो। और बेसिकली वो माउथ पीस किसका है? जिसने खुद विजिट किए हैं, जिसने खुद उनको बड़ा सटली कोंगो रिवर को जानता है, कोंगो की पूरी, कोंगो बेसिकली अफ्रीका का सेंटर है और इसको हार्ट, इसको डार्कनेस के साथ भी वो मोस्टली यानी डिनोट करते हैं कि इट इज नोन विद द डार्कनेस, द पीपल लिविंग ओवर देयर, दे आर द डार्क पीपल, या डेफिनेटली डार्क कॉन्टिनेंट एज वेल एज द पीपल, दे आर जस्ट लाइक कंजर्वेटिव पीपल, ओल्ड पीपल लिविंग विद ओल्ड सिविलाइजेशन, नॉट रिफाइंड पीपल, एंड दे आर इलिटरेट पीपल। सो ऑल नेम्स आर गिवन टू द यू कुड से ब्लैक पीपल। ये ब्लैक पीपल को सारे नेम्स दिए जाते हैं। और प्लस यानी ये 5 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, खुद मार्लो है। मार्लो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि किस तरह सम हो उसने यानी ये स्टीम बोट की जॉब ली, इसमें शिप मैन जो शिप का जो मेंट से एक मैनेजर बन के, या एक शिप का किस तरह उसने ये जॉब ली। एक आंट है मिसेस ब्रसल, उसके थ्रू ये जॉब लेता है एक बेल्जियम कंपनी में। बेल्जियन कंपनी, बेल्जियम कॉन्गो मीन से ये उस वक्त जो कॉन्गो था वो कॉलोनी था किसकी, एक बेल्जियन जो स्टेट है उनके यानी ये गवर्न कर रहे थे उसको। तो कैसे कर रहे थे? एम्पीरियलिज्म के थ्रू और प्लस कॉलोनाइज्ड उनको बना के, उनको उनको एज ए बेल्जियम कॉलोनी बनाया हुआ है। और बेल्जियम लोग जो हैं वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वो कंपनीज थी, वो वहाँ पे अवोरीज, जो अवोरीज बेसिकली होता है जो एलिफेंट टीथ होते हैं, इससे वो नीडल्स वगैरह बनाते हैं और दीगर मसनूआत क्रिएट करते हैं। तो ये सारी जितनी भी अवोरीज वगैरह थी, अवोरी जितने भी हाथी के दांत हैं वो वहाँ से मेट से शिकार करके उनका एलिफेंट्स का, उसके बाद प्रोड्यूस करके वो दीगर यूरोपियन कंट्री को बेल्जियम देता था। तो बेल्जियम की ट्रेडिंग कंपनी जो कि फंडेड बाई बेल्जियम ही थी,
तो वो वहां पे जाती थी, उन्होंने अपने स्टेशन बनाए हुए थे, यानी पहला स्टेशन है, दूसरा स्टेशन है, तीसरा स्टेशन है, और फिर उसके बाद जो डीप जो लास्ट स्टेशन है, जो कि सेंटर ऑफ स्टेशन है, जहां पे ये सारे इकट्ठे होते थे। और सबसे ज्यादा जो अवरी अवरी प्रोड्यूस करता था, या जो एलिफेंट टीथ प्रोड्यूस कर रहा था, वो मिस्टर कुट्स था। मिस्टर कुट्स सबसे ज्यादा बिजनेस को प्रमोट कर रहा था। इस मिस्टर कुट्स के करैक्टर को बड़ा सेंटर करैक्टर माना जाता है, और इसको बड़ा एम्बिगुअस रखा है जोसेफ कॉनरड ने। ये मरते वक्त भी हॉरर हॉरर के तीन वर्ड्स कहता है। ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जस्ट जर्नी स्टार्ट करता है तो एक पहले स्टेशन पे रुकता है, वहां पे ये देखता है, वहां पे डेफिनेटली जैसे वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है बेल्जियम कंपनी की तरफ से, तो उनका एज ए शिप का जो मेन से इंचार्ज है ये बन के गया है। तो वहां पे पहला जो इसका स्टेप होता है, जो पहला स्टेशन होता है, उस स्टेशन पे जब ये रुकता है तो वहां पे ये ब्लैक लोगों को जकड़े हुए, जंजीरों में जकड़े हुए देखता है, और साथ वो बड़े वीक हैं, कमजोर हैं, और साथ वो वर्क कर रहे हैं, और साथ वो काम कर रहे हैं, और वो बड़ी मुश्किल से चल फिर रहे हैं। तो ये उनको ऑब्जर्व करता है, उन्हें देखता है कि ये बेसिकली कंट्री किनका है, ये ब्लैक लोगों का कंट्री है, और ब्लैक लोग ही वहां पे वर्क कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं जो इंग्लिश मैन है, वो उनको रिफाइन करने आए थे, वो उनको तहजीब सिखाने आए थे, वो उनको मजहब सिखाने आए थे, क्रिश्चियनिटी सिखाने आए थे, अबाउट वो गॉड के मुतल्लक बताने आए थे, लेकिन गॉड के मुतल्लक रिफाइन करने की बजाय, सिविलाइज करने की बजाय, उन्होंने उन लोगों को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद उनके कंट्रीज से जो रिसोर्सेज निकल रहे हैं वो पीछे अपने बैक अपनी अपने कंट्रीज को भेज रहे हैं, और मजीद वो यूरोप को स्प्रेड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फॉर्म में, वो दीगर कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्री को वो दे रहे हैं, जैसे अवोरी से जितनी भी वो मसनूआत बना रहे हैं। तो इस तरह एक स्टेशन पे वो ये हालत देखता है। उसके बाद दीगर जो करेक्टर इसमें आते हैं, एक ब्रिक मैन है, और उसके बाद मैं सेंट्रल मैनेजर है, तो वो सारे करेक्टर। फिर इसके अलावा एक मिस्ट्रेस होती है मिस्टर कोट्स की, जो कि आल्सो इट्स आल्सो टेकिंग सम प्लेस इन नॉवल। ये नॉवल नहीं है बेसिकली, ये नॉविला है। नॉविला होता है शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट नॉवल, यानी ये एक शॉर्ट नॉवल है। इट इज जस्ट लाइक यू कुड से शॉर्ट स्टोरी, यानी बिग नॉवल नहीं है जैसे हम दूसरे नॉवल को पढ़ते हैं। तो इस नॉवल को समझने के लिए सिर्फ अगर हम मार्लो और कोट्स को समझ लें तो हमें ओवरऑल स्टोरी का पता चल जाता है। और उसके अलावा फिर यानी इनको इनकी रास्ते में बोट जो होती है वो ख़राब हो जाती है, उस बोट के उसके ड्यूरिंग इन्होंने इसने कोई 1200 जो माइल्स इसकी जर्नी अभी पड़ी है। तो अब इसने मिलना बेसिकली किसको है, जिस जहाँ जाता है वहाँ पे कुट्स की तारीफें सुन रहा है। कुट्स को लोग देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं, उसकी बात मानते हैं, वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, लोगों को मिनट से उसे उसकी हर चीज़ मानते हैं, जो वो कहता है लोगों को वो उसकी बात मान रहे हैं। और वहाँ जिस वो शिप पे जाता है, वो बाहर खड़ा होता है, तो वो दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन सुनता है, डिस्कोर्स सुनता है। वो बात क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कोट्स जो ना ये हमारे लिए बड़ा सरदर्द बन गया है, कोट्स जो है सबसे ज़्यादा माल वो दे रहा है कंपनी को। तो बेल्जियम की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितना माल हम सारे प्रोड्यूस करके इकट्ठा करके देते हैं, वो दूसरे यानी लोग कनिंग हैं, एक वाइट पीपल एक दूसरे के खिलाफ भी कनिंग है कि वो कोट्स के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि ये ज्यादा माल क्यों देता है, ये ज्यादा वोरी इकट्ठी करके क्यों देता है, ये ज्यादा हाथी के दांत जो वो बिजनेस करते हैं ये ज्यादा क्यों कलेक्ट कर लेता है। तो इस चीज पे भी वो इतने ग्रीडी हैं कि वो एक दूसरे के उसे मारने की तरकीब सोच रहे होते हैं कि कोट्स को कैसे हटाया जाए। कुट्स बेसिकली बहुत बीमार हो चुका है। वहाँ पे जितने भी अमेरिकन या जितने भी इंग्लैंड के लोग या जितने भी वाइट लोग स्पेशली कोंगो में जाते हैं, कोंगो का जो एटमॉस्फियर है या कोंगो की जो मिर्ज से फिजा है वो ऐसी है, ज़्यादा ये लोग उनके लिए कंपैटिबल नहीं है, वो और तरह के रहने वाले लोग हैं, ये और एटमॉस्फियर में रहने वाले लोग हैं। ये हार्डली 6 मंथ या 5 मंथ या 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ ये निकालते हैं और ये वापस आते हैं, शॉर्ट पीरियड के बाद वापस आ जाते हैं। तो कोर्ट से एक ऐसा इंसान है जो बड़ी देर से वहां पर रह रहा है,
वहां पे स्टे कर रहा है और वहां पे पैसे कमा के लोगों को भी फैसिलिटेट कर रहा है, लोगों के साथ इंट्रैक्शन अच्छा है, स्पीच में अच्छा है, उसके बाद ओरेटरी उसकी बहुत अच्छी है, लोगों के साथ डीलिंग बहुत अच्छी है, लोगों के साथ उसका मेल जोल बहुत है, सोशल बहुत ज़्यादा है, लोग उसके पास आते हैं, उसकी बात मानते हैं, उससे अपने वर्क लेते हैं, वो उनके काम भी करता है और वो उसका काम खुशी से कर रहे हैं। ही इज़ हैविंग एंड होल्डिंग गुड पोजिशन अमंग अस द कोंगो पीपल, जितने भी अफ्रीकन पीपल थे उनके दरमियान उस अच्छी वो प्लेस रखता है, जगह रखता है, लोग उसकी उसको लाइक करते हैं। लेकिन कुड्स का करैक्टर बड़ा एम्बिगवस है, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करता है साथ साथ इन कंपनीज के अगेंस्ट कि वो वट एवर दे आर डूइंग, दे आर किलिंग, दे आर एक्सप्लाइटिंग, दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वट एवर दे आर डूइंग, ही इज लिविंग विद द अफ्रीकन पीपल, हेल्पिंग, हैविंग गुड हार्ट फॉर द पीपल एंड कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज एज वेल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो उसने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करके रखी है इनके इनके खिलाफ। तो कोर्ट्स को बेसिकली जो कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं वो आम बंदे से मिलने भी नहीं देते, ये भी एक इशू है कि वो बड़ी वो 3 माह चलते चलते ऑलमोस्ट 3 मंथ उनको लगते हैं वो जगह पे पहुंचने के लिए, वो कभी तो उनकी वो कश्ती जला दी जाती है। इवन के जो इनहेबिटेंट्स हैं जब ये उनके पास जाते हैं तो वो हमला कर देते हैं इनके ऊपर, जो इनहेबिटेंट्स हैं जो उनके रहने वाले लोग हैं जो उधर के नेटिव लोग हैं वो भी इंग्लिश लोगों को लाइक नहीं करते, इवन के हमला कर देते हैं और उनमें ये जख्मी भी हो जाते हैं somehow। तो ये हार्डली बड़ी मुश्किल से ये कोर्ट्स के पास पहुंचते हैं, तकरीबन उसमें 60 लोग हैं और खुद ये मार्लो भी है, ये एट लास्ट वो उसके पास पहुंचते हैं और ये कोर्ट्स की और इसकी मुलाकात होती है। कोर्ट्स कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के लास्ट दिन जो है ना मौत का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम अबाउट टू डाई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसका एटमॉस्फियर जो है ना वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि माई ब्रदर ही वेंट अफ्रीका एंड ही स्टे ओवर देयर अबाउट 8 मंथ, कंपनी थी एक वहाँ उसने वर्क के लिए कंपनी के थ्रू गया और वहाँ वो 8 मंथ उसने स्टे किया। तो मुझे उसने बताया कि वहाँ पे एक इस तरह का कोई मॉस्किटो है कि वो जैसे ही काटता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, अफ्रीका के बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया। तो इट मीन कि वो एटमॉस्फियर जो है वो और है वहाँ पे, जो उसका उनका मच्छर इतना खतरनाक है कि एक मॉस्किटो जो इंसान को काटता है तो उसकी फौरन डेथ हो जाती है, अगर उसको प्रॉपरली उसी वक्त ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो ऐसे ही है जैसे सांप ने काट लिया हो, स्टिंग कर लिया हो आपको किसी स्नेक ने। तो इसी तरह मेरे भाई ने मुझे बताया बहुत लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 5 माह लोगों को रखते हैं, और मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने 8 मंथ वहाँ पर गुजारे और आखिरकार उसे भी वो मलेरिया हो ही गया था और बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करके उससे बचाया। तो इट मीन कि अगर वहाँ पे कोई लॉन्ग रन कोई स्टे करता है या 1 ईयर या 2 ईयर, और जैसे कोर्ट्स के बारे में कहते हैं कि वो बहुत देर से वहाँ पे रह रहा था तो वो बीमार हो चुका है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग उससे देवता मानते हैं, लोग उसको किसी से मिलने भी नहीं देते और मैनेजर जो है वो भी उसे लेने आया हुआ है कि उसे लेके जाना है। तो एनी हो ये इसकी मुलाकात होती है और कोर्ट्स उसे कुछ बातें बताता है कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स आई हैव कलेक्टेड, ये डॉक्यूमेंट ले लें। और सेकंडली वो उसको ये बताता है कुछ जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, जो उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके बारे में वो सारी चीज़ें रिवील करता है और उसके मुँह से 3 वर्ड्स निकलते हैं, हॉरर हॉरर हॉरर, और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सम हो वापस आ जाता है मार्लो और वापस आके जो उसके रिलेटिव्स हैं और उसकी जो मिस्ट्रेस है या उसकी ब्लवर है वो उसे मिलती है, उसे पूछती है कि आखिरी वर्ड्स क्या थे, यानी उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे जब वो मर रहा था, जब उसकी डेथ हो रही थी कोर्ट्स की, तो उसकी आखिरी वर्ड्स क्या थे उसे पूछने आते हैं। तो उस पर वो बताता है कि ये सम हो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लेटर्स हैं कुछ, वो उसे झूठ बोलता है कि आखिरी वर्ड जो उसके मुँह से निकले थे वो तुम्हारा नाम ले रहा था। इस पे वो खुश हो जाती है और साथ ही रोने लग जाती है और ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी, ही डिडंट रिवील द ट्रू यू कुड से करैक्टर ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स को वो अच्छी तरह से बड़ा एम्बिगवस करैक्टर रखता है और रीडर पे छोड़ता है कि उसकी इंटरप्रटेशन करें। बेसिकली वो साथ रह रहा है, वोरी भी इकट्ठी कर रहा है,
वो जो जितने भी एलिफेंट टीथ्स हैं वो कलेक्ट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, डिफरेंट रोड स्टेशन पे भेज रहा है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी इकट्ठे किए हुए है। और प्लस उसे जब वो हॉरर हॉरर बोलता है, यानी लास्ट वर्ड तो ये होने चाहिए थे, या कन्फेशन होती या कोई चीज होती। कुछ लोग कहते हैं हॉरर हॉरर से मुराद ये है कि वो और हाथी के दांत जो है ना वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं, ये आप पे छोड़ता है, जोसेफ कॉनराड ये आप पे छोड़ता है कि कोर्ट्स को आप कैसे एलेबोरेट करते हैं। जैसे वो डॉक्यूमेंट हैंड आउट करता है उसको, उसको इंफॉर्मेशन देता है उनके बारे में कि दीज आर द क्रूवल पीपल डूइंग दिस आर दैट, और ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग सिविलाइज्ड इनको नहीं कर रहे, ये इनको रिफाइन नहीं कर रहे, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनके रिसोर्सेज को इन्हें मार रहे हैं, इन्हें किल कर रहे हैं, इनको बांधा हुआ है, इन्हें गुलाम बनाया हुआ है। ये सारी चीजें जब वो बताता है तो वो बेसिकली वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो उनके बारे में उसने इकट्ठी की होती है, दो के उनके लिए काम कर रहा है, मजबूर है, लेकिन दिल ही दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कि इनके लिए, उन इनहेबिटेंट्स के लिए, उन डार्क पीपल के लिए, वो जो लोग वहाँ पे बिल्कुल इलिटरेट हैं, जिनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है। तो कुछ लोग कहते हैं ही वॉज अ गुड पर्सन, ही वॉज इंटरेस्टेड टू रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज हु आर एक्सप्लॉइटिंग, हु आर डूइंग रॉन्ग विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कंट्री। तो कुछ लोग कहते हैं कि ही वॉज वेरी गुड डूइंग गुड थिंग, कुछ कहते हैं जी लास्ट यानी उसकी जो जब डेथ हो रही थी तब भी हॉरर हॉरर कर रहा है, तो ही मे बी टॉकिंग अबाउट द वोरीज, और यू कुड से हाथी के जो टीथ वो इकट्ठे कर रहे थे, या वो जो बिजनेस कर रहा था, मसनूआत इकट्ठी कर रहे थे, बना रहे थे, शायद वो उसके बारे में सोच रहा था। सो दीज आर इंटरप्रिटेशन ही लीव्स ऑन यू, तो ये इंटरप्रिटेशन वो आप पे छोड़ता है कि आप कौन सी उसकी करते हो, उसको पढ़ के उसके करेक्टर को, तो ओवरऑल करेक्टराइजेशन से क्या आप डिपिक्ट करते हो, ये आपने खुद इंटरप्रेट करना है। करेक्टर को एम्बिगुअस बना के जोसेफ कॉनराड छोड़ देता है, दैट्स ऑल अबाउट हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस दोबारा फिर बता दूं कि इट इज़ नॉट अबाउट द ब्लैक पीपल ओनली, हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑल्सो रिवील्ड द कनिंग नेचर ऑफ द वाइट पीपल।